ये राजघाट है और वो रामघाट, और मैं हूँ आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। इस समय हम मौजूद हैं गोरखपुर शहर के राजघाट में, जहाँ मैं आपको बता दूं कि मेरे पीछे अनेक प्रकार की कलाकृतियाँ आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही आपको बता दूं, शाम के 5 बजे के तकरीबन यहाँ पर लगभग 1 लाख के पास दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। दीपोत्सव कार्यक्रम की तैयारियां अपने जोरों पर है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे और ये मेरे सामने रंगोली देख सकते हैं, लाखों की संख्या में दीपक जलाने की तैयारी किए जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं द्वारा दीपक को सजाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ द्वारा 5 बजे इस राजघाट पे, राप्ती नदी के तट पे रामघाट जो हमारे सामने है, शाम 5 बजे इसका लोकार्पण किया जाएगा। तमाम आप देख सकते हैं रंगोली कितनी शानदार ढंग से सजाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये राप्ती नदी के तट पे किस तरह से लाखों की संख्या में दीपक जलाने की तैयारियां जोरों पर है। कुछ लोग हैं जो इस दीपक की तैयारियों में लगे हुए हैं, उनसे जानते हैं कि कितना समय लगेगा और ये कब तक तैयारी आप लोग पूरा कर लेंगे। मैम, आपका नाम क्या है? प्रियंका कुशवाहा। थोड़ा सा आगे आ जाए। क्या नाम है? प्रियंका कुशवाहा। कितना समय लगेगा और कब तक ये लाखों दिए तेल के साथ दीपक पूरी तरह से तैयार हो जाएगा? 1 घंटे में हो जाएगा। 1 घंटे में तैयार हो जाएगा। सुबह से लगे हुए हैं ना हम लोग। कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग 27 लोग सेवा भारती से हैं, और भी जगह संस्कार भारती और भी लड़कियां हैं, तो अलग अलग है, सबका काम बटा हुआ है, अलग अलग देख रहे हैं। सेवा भारती और संस्कार भारती की ये टीमें हैं, ये लगातार दीपक सजाने का काम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं हम घंटों से लगे हुए हैं और 1 घंटे में ये दीपक तेल से पूरी तरह से भर दिए जाएंगे, इसमें दीपक लगा दिए जाएंगे। कुछ लोग हैं उनसे जानते हैं। मैम, आपका नाम क्या है? कंचन ओझा। कंचन ओझा जी, कितना समय लगेगा और कब तक ये पूरी तरह से दीपक में तेल के साथ तैयारियां कर ली जाएंगी और कब दीपक जलाए जाएंगे? जब योगी जी एंट्री करेंगे उसके बाद हम इसको जलाने की तैयारी करेंगे। ये लाखों की संख्या में दीपक है। हाँ। कितना समय लगेगा? अब तो टाइम तो लगेगा, लेकिन कोशिश करेंगे, जल्दी लग रहा है, सब लोग मिलकर जलाएंगे। तो कभी लोग जो है एक बार यहाँ आने के लिए 10 बार सोचते थे और आज जो है ये एक पर्यटन स्थल के रूप में भी बन के सामने निकला है। गोरखपुर वासियों के लिए ये काफ़ी अच्छी सौगात है और कहीं ना कहीं जो है पर्यटन के स्थल से भी एक रोजगार के सृजन भी इससे उपलब्ध होंगे। मैडम, आप हमें बताइए ज़रा सा कि यहाँ पे रंगोली बना हुआ है, कि रंगोली के बारे में थोड़ा सा आप बताइए, जो इतनी खूबसूरत रंगोलियाँ बनी हुई हैं, क्या है कुछ? ये हमारी संस्था संस्कार भारती के सभी सदस्य हैं और हम लोग इसको सुंदर रूप देने के लिए गुरु गोरक्षनाथ घाट पर आज क्या पिछले कई दिनों से हम लोग लगे हुए हैं और कल से रंगोली और दीप लगाने का, उनको बत्ती और तेल से सुसज्जित करने का कार्य हमारी संस्था ने संभाली है और सभी सदस्य बड़े ही मनोयोग से रंगोली बना रहे हैं। आप देख रहे हैं जैसा कि यहाँ पर सभी सदस्य मिल करके बत्ती लगा रहे हैं, तेल लगा रहे हैं। अभी शाम को दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा जिसको और भी सुंदर आयोजन होगा। अभी यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा जो कि हमारी संस्था संस्कार भारती के द्वारा ही की जा रही है। आपका नाम क्या है? शिखा पांडे। शिखा पांडे जी, क्या लग रहा है आपका, क्या यहाँ दायित्व है और आप क्या कर रही हैं? एक्चुअली मैं आई हूँ वैसे तो फ्यूजन डांस अकेडमी के थ्रू और बाल ये जो बाल भारती है ना, सेवा भारती मतलब उनके थ्रू मतलब बुलाया गया था यहाँ पर, यहाँ ये सब दीपक वगैरह सजाने में ऐसा लग रहा है गोरखपुर बहुत ही अच्छा। मैं तो यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ, मतलब मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, कुछ यूनिक लगा। क्या लग रहा है कि आप बनारस के घाट पे हैं कि गोरखपुर पे? नहीं, बनारस से भी बेटर लग रहा है ये तो मुझे, गोरखपुर हमारी गोरखपुर की तो बात ही अलग है ना। तो ये तमाम लोग हैं काफी खुश हैं, और भी लोग हैं, और भी कार्यकर्ता हैं, उनसे जानते हैं कि दीपक में कितना समय लगेगा। आपका नाम क्या है? मैं रुचि कोरी। कितना समय लगेगा इस दीपक में तेल के साथ इसे पूरी तरह से तैयारी करने में? नो आइडिया, बिकॉज ये बहुत ज्यादा है और अभी तो हम लोग थोड़ी छोटी सी शुरुआत की है अभी करने के लिए, तो नो आइडिया। कैसा लग रहा है? आई फील गुड। पहले तो अपना नाम बता दिए। जी सर, विनोद कुमार वैश्य जी। सर, आप ये बताइए कि पहले आपने यहाँ पर देखा होगा कि यहाँ पर लोग शवदाह के लिए सिर्फ आते थे और आज के माहौल में आप देख सकते हैं कि पर्यटन का काफी बड़ा केंद्र बन चुका है गोरखपुर शहर में, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? जी, अपने उससे देखते हैं कि जैसे कि प्रयागराज में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, और हमारे जैसे बनारस हुए, बनारस के घाट भी कभी ऐसे नहीं बने हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर आकर अपने परिवार के साथ अच्छी तरह सेल्फी ले सकें, या हम भी याद करेंगे अपने बच्चों के साथ में कि हम अपने बचपन से ही पहली बार अपने परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने हम लोग के लिए बहुत कुछ कर दिया और विकास के कार्य में ये बहुत ही आगे हैं हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज। आपका नाम क्या है? ज्योति कुमारी। कब से लगी हुई है दीपक? सुबह 10 बजे से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और तभी से दिया बाती और उसमें तेल डालना शुरू हुआ है और कल हम लोग यहाँ पे लगा के गए थे। कितना समय लगेगा?
अभी ये तो कार्यक्रम 5 बजे तक, कम से कम 3-4 घंटा तो अभी और लगेगा यहाँ पे। 3-4 घंटे लगेंगे। आपका नाम क्या है? नीलम गुप्ता। आप क्या काम कर रही हैं यहाँ पर? दिए बातें कर रही हूँ। तो क्या लग रहा है, कब तक तैयार हो जाएगा? पता नहीं। पता नहीं, और भी लोग हैं उनसे जानते हैं। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम अर्चना खन्ना है। आप किस भूमिका में है यहाँ पे? यहाँ पे हम कार्यकर्ता हैं। हाँ। क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है आज का दिन आपके लिए? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैसेज देना चाहेंगे कि इसमें जो भी इंसान है इसमें अपना सहयोग दे भरपूर, इतना कर सकते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुधा मोदी। मोदी जी, और आपको कैसा लग रहा है, और ये दीपक कब तक सच के तैयार हो जाएंगे? बस हम लोग 5 बजे 4:30 बजे इसको जलाना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारे महन जी मतलब सीएम सर अभी हमारे 5:15 बजे तक आएंगे। तब तक हम लोगों को तो इतना अच्छा लग रहा है कि गोरखपुर की भूमि में ये घाट बन गया है। कहते हैं ना, गोरखपुर के घाट पे वही दीपों की भीड़, और हम लोग इस घाट पे ऐसा आनंद ले रहे हैं, इतिहास बन गया है। और राजघाट पे इस समय राजघाट की भव्यता और दिव्यता को आप देख सकते हैं। लाखों दिए जलाए गए हैं, लेकिन ये रंगोली 4-4 लगा रही है। इस रंगोली को बनाने वाले ये युवक हैं जो 24 घंटे से लगे हुए हैं। इन्होंने 24 घंटे में आराम तक नहीं किया है। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम धर्मराज राणा है, मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, रंगोली कलाकार हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे रंगोली से अपना प्रदर्शन करने का मौका मिला है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, और लोग काफी सराहना भी कर रहे हैं इस चीज का। नमाम राप्ती आपने लिखा है, इसमें क्या क्या लगे हैं? रंगों को हम देख रहे हैं, शानदार होली है, 4-4 लगा रही है इस घाटों पे, आगे भी रंगोली बन रहा है। बताइए कब से आप लगे हुए हैं, और क्या सामग्रियां लगी, और कितने लोगों ने आपका सहयोग किया? यहाँ पे हम लोग रंगोली का कार्य कल ही से कर रहे हैं। कल सुबह 10 बजे हम लोग आए थे, 11 बजे से लगभग हम लोग का काम शुरू हुआ है। इसमें हम लोग गुलाल यूज कर रहे हैं और सूजी यूज कर रहे हैं हम लोग आलेखन के लिए। और हमारे टीम में लगभग 9-10 लोग हैं, हम लोग सब लोग मिलके इस घाट को सजा रहे हैं। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम अमर कुमार है, और हम भी गोरखपुर यूनिवर्सिटी से MFI सेमेस्टर के छात्र हैं, और हमारे भैया इन्हीं के साथ हम लोग भी काम करते हैं, और हमारी एक टीम है जिसमें हमारे भैया लीड करते हैं, जो हर जगह पे ले जाते हैं, और काफ़ी अच्छा लगता है हम लोग को भी काम करते हुए। और चूंकि हम लोग फाइन आर्ट से बिलोंग मतलब करते हैं, तो उससे रिलेटेड ये चीज़ें हैं, और हम लोग उसी को काफ़ी अच्छे से बेहतर करने का प्रयास करते हैं। ये तमाम हम रंगोली देख रहे हैं, दीपक भी देख रहे हैं, लाखों की संख्या में ये दीपक जलाए जाएंगे। इस घाट को शाम को उजालों में इस दृश्य को पूरा यूपी देखेगा, पूरा देश देखेगा, सजाया जाएगा। आप लोग का योगदान अतुल्य है, 24 घंटे से आप लोग लगे हुए हैं। कितनी रंगोलियां इस घाट पे बनी हुई हैं, अगर गिनती में देखा है तो? अभी तो इस घाट पे अगर लगभग 40 रंगोलियां हो चुकी हैं, और उसके अगले वाले घाट पे लगभग 35-40 वहां पर भी रंगोलियां हुई, जो हमारी टीम कुछ वहां पे काम कर रही हैं, और कुछ लोग हम लोग यहां पे काम पे लगे हुए हैं। लगभग हम लोग कल से काम कर रहे हैं और लगातार काम करते रहे हैं, और काफी कम समय मिलने की वजह से थोड़ा सा फास्ट काम करना पड़ा हम लोग को। और आप देख सकते हैं कि ये वो कलाकार हैं यूनिवर्सिटी के जिन्होंने तमाम रंगोलियां बनाई हैं। 35 रंगोलियां राम घाट पे बन रही हैं जो इनकी टीम बना रही है। आप देख सकते हैं ये 24 घंटे से लगातार लड़के लगे हुए हैं, कलाकार लगे हुए हैं, और लाखों की संख्या में यहाँ दीपक जलाए जाएंगे, और वो शाम की घड़ी पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, पूरे गोरखपुर के लिए एक बहुत मतलब कि शब्द नहीं मिल रहे हैं कि किस तरह से इस घाट को लोग देखेंगे शाम में। और पहले नमाम गंगे होता था, हम देख सकते हैं नमाम राप्ती यहाँ लिखा गया है। कैमरा संभाल रहे हैं सतीश, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी, और आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं।